शादी है कि दिमाग खराब करके क्या जमाए? सिलसिला आलिया कादरिया मुलामिया। हम लोगों का जो सिलसिला है हजरत सैयद राहुल मुकलमीन वईना इला रब्बना लमू बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलल्लाह व आला अलैका व सहाबिका या हबीबल्लाह। मेरे प्यारे भाइयों, जैसा कि आप हम लोग का मकसद यही होता है कि आप लोग को हर मजार का ब्लॉग दिखाना, क्योंकि हम लोग जियारत भी करते हैं और आप लोग को वीडियो के माध्यम से दिखाते हैं। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथ में हेलमेट है, क्योंकि मेरा भाई को ये बाइक देना है। बाइक के मेरा भाई कहीं जाएंगे और सलीम भाई का पता नहीं है वो कहाँ पे, और रजी भाई भी जो है आज कुछ मजार के बारे में जानकारी की है। तो हमेशा सलीम भाई या हम लोग कहते हैं, लेकिन आज रजी भाई कहीं लेके जाने वाले हैं। तो सलीम भाई, ये रजी भाई से ही पूछिए कि कहाँ आज लेके जाने वाले हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। देख सकते हैं हम लोग फिर मिल चुके हैं, फिर एक नए ब्लॉग के साथ आपको दिखाएंगे, एक नए मजार की ज्यादा जरूर कराएंगे। तो अभी हम लोग वाले है वो टीटागढ़ में, एक मजार है, बहुत बड़ा मजार है, तो माशाल्लाह वहीं चला जाएगा। तो कैसे जाना है हम लोग कोशिश करेंगे, यहाँ से ट्रेन से जाने की कोशिश करेंगे, फिर वहाँ से कैसे जाएगा। हेलमेट लिए हुए हैं, ये भाई को देना है। सलीम भाई नजर नहीं आ रहा है, सही में सकते हैं। सलीम भाई हम लोग के पास आ रहे हैं, सलीम भाई को बताना चाहूंगा कि सलीम भाई जाएंगे ये। सलीम भाई आज पता है, वालेकुम सलाम। आज रज्जी डिसाइड किया, रज्जी भाई पता है जाने के लिए कहाँ? टीटागढ़। तो टीटागढ़ चलेंगे हम लोग। अच्छा, हेलमेट लिए? हेलमेट तो भाई को देना है, कहीं जाएंगे वो। हेलमेट चाबी है कि दिमाग खराब करके जमाए? कभी कभी तो सोचिए बाइक से चला जाए, बाइक लगा के क्या फायदा, हमेशा ट्रेन 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 हावड़ा से जा। आज चलिए बाइक से चला जाए, तो दिमाग खराब। भाई कि आप लोग बाइक से नहीं जाए। भाई मेरे भाई, आपको बताना चाहूंगा, सलीम भाई का किरदार बहुत प्यारा होता है। तो सलीम भाई का यही है कि सलीम भाई रुकिए, हम अपना भाई को फोन करते हैं और भाई को ये बताते हैं कि भाई आज जो है आपको बाइक नहीं देंगे। हाँ, अस्सलाम वालेकुम भाई, आप किसी और बाइक से लेके चले जाइए, ठीक है? क्योंकि सलीम भाई जो है हम लोग का बहुत प्यारा अंदाज वो किरदार निभाते हैं, तो आज हम लोग जो है बाइक लेके जाएंगे। सलीम भाई काफी गुस्सा हो रहा है। ठीक है, ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। चलिए बाइक से चला जाए। जो आप लोग देखे होंगे ट्रेन से बस से जाते हुए, और आप ये भी देखे होंगे सलीम भाई काफी नाराज हुए है, तो ये मोहब्बत वाला नाराजगी थी। ये ज्यादा गुस्सा इसलिए कर रहे थे क्योंकि ज्यादा मोहब्बत रहता है किसी से, इसलिए वो गुस्सा हो रहे थे। तो इंशाल्लाह ताला आज हम लोग बाइक से जाएंगे। तो हम लोग का तो एक इस्लामी भाई जो है एक बाइक से दो हो जाएंगे। रजी भाई कैसे से जाएंगे? हम लोग तो दो बाइक है, तीन बाइक है, लेकिन दो बाइक ही चल लीजिए। रजी भाई भी अपना बता रहा बाइक से। आज हम लोग टीटागढ़ का मजा जाएंगे, वो वली अल्लाह की शान आप लोग को दिखाया जाएगा, जो की काफी अल्हम्दुलिल्लाह काफी सुकून मिलता है मजार में जाने के बाद। और उनकी हर एक करामत जो है वहां से खादिम से मिलकर आप लोग का पूरा पेश किया जाएगा। मेरे भाई जैसे कि देख सकते हैं कि हमारे पास मोबाइल है, और बताना चाहूंगा कि अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग जो है बाइक से निकल चले हैं। रज्जी भाई भी आगे आगे अपना बाइक लिए हुए, और हम भी जो है हम अपना रूम है, देख सकते हैं मोबाइल जो है हम लगा लिए है अपना मैप। तो इंशाल्लाह भैया पूरा रास्ता का डिटेल आप लोगों को बताया जाएगा किस तरह से जाना है। और बाइक से काफी अच्छा लग रहा है, कभी कभी इंजॉय किया जाता है। हमें ये सफर की दुआ पढ़ते हैं, निकलने से पहले बिस्मिल्लाह सुभान अल्लाह जी शाह खाराना हाजा व मा कुन्ना राहुल मुकलमीन व इन्ना इला रब्बना लमून कलिबुल। ये सफर की दुआ, इंशाल्लाह ताला ये सफर की दुआ कितनी ताकत होती है कि अगर मान के चलिए आप ये सफर में ये दुआ पढ़ लेते हैं, तो आपको ये बताना चाहूंगा कि आपको आने वाली जो बला है ना मुसीबत से, इंशाल्लाह ताला वो कट जाएगी। तो अभी आप देख सकते हैं हम हेलमेट क्यों पहने हैं, हम हेलमेट जा रहे हैं पहनने के लिए। तो आगे का डिटेल आपको बाद में बताया जाएगा, पहले आइए चलते हैं तब तक। अस्सलाम वालेकुम। जो नहीं चाहता कि उसको नबी पाक अलैहिस्सलाम का दीदार नसीब हो जाए। आओ मैं एक ऐसा वजीफा बताता हूं, नबी पाक अलैहिस्सलाम ने खुद भी अहदीस के जरिए हमें अपनी जियारत का फार्मूला अता फरमाया। एक हदीस पाक जिसका मजमून है, मेरे आका फरमाते हैं, जो कोई शख्स ये दुरूद पाक अल्लाहुम्म सल्ले अला रूही मुहम्मदिन फिल अरवाही व अला जसदिही फिल अजसादी व अला कब्रिही फिल कुबूरी, ये दुरूद पाक पढ़ता है, अल्लाह करीब उसको ख्वाब में नबी पाक की ज्यारत अता फरमाता है।
और आका फरमाते हैं जो मेरी ख्वाब में ज्यारत करेगा ना वो मुझे कयामत के दिन भी देखेगा और मैं उसकी शफाअत करूंगा और मैं जिसकी शफाअत करूंगा वो मेरे हौज़े कौसर पर आकर पानी भी पिएगा और जो हौज़े कौसर का पानी पी लेगा अल्लाह जहन्नम की आग उस पर हराम करार दे दे। के पास पहुंच चुके हैं हम लोग, लगभग 20 से 25 किलोमीटर का सफर करके भैया हम लोग आरजी कार हॉस्पिटल के पास जो शाम बाजार है, शाम बाजार से बायां लेते हुए हम लोग पानी हटी होते हुए अभी हम लोग खड्डा पहुंचे हैं। लगभग 1.5 घंटा लगा ना हम लोग को, तो कोलकाता का रास्ता है इसमें ज्यादा थोड़ा ट्रैफिक मिला है क्योंकि संडे की वजह से बहुत कम मिला है, तो हम लोग यहाँ से 1.5 घंटा सफर करके आए, थोड़ा सा थक चुके हैं देख सकते हैं। तो अगर आप लोग अगर ट्रेन से आना चाहते हैं तो आप लोग सियालदह से ट्रेन पकड़ के डायरेक्ट टीटागढ़ आ सकते हैं, वो आसानी पड़ेगा। तो हमारे समझ भाई बताइए कैसा लगा रास्ता है आपको? माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है कि हम लोग को ये तीन मौका मिला है कि मजार शरीफ का ज़ियारत करने का, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेहरबानी है कि वली अल्लाह का जो शान है जितनी वली अल्लाह है। तो कुछ हम ये बताना चाहूंगा कि हमारे साथ जो सलीम भाई है इनका सोच ये था कि आज हम लोग बाइक से चले, तो बाइक से वाकई बहुत अच्छा इसलिए लग रहा है क्योंकि ट्रैफिक का मामला जो है हम लोग को सामना करना नहीं पड़ा है। माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला का बहुत बड़ा एहसान है हम लोग तीनों भाई पे। तो आज हम लोग जो मजार शरीफ का हर ब्लॉग में कुछ पहले शुरुआत नाथ के साथ करते हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह ये हकीकत है मेरे भाई। क्या करते हैं सलीम भाई, हम लोग कौन सा नाथ करते हैं? महबूब के महफिल को महबूब सजाते आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। काफी खुशनसीबी का बात है मेरे प्यारे भाई, हजरत सैयद शाह वारी शरीफ शाह काजरी रहमतुल्लाह अली का मजार है। अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भी हम लोग खादिम से मिलकर पूछेंगे और इनका जानकारी लेंगे क्या इनका करामत है, क्या मालूमात है। आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आइए पूरा आपके लोकेशन दिखा रहे हैं, दिखाने के बाद यहाँ पे खादिम से मिलेंगे, मिलने के बाद जो मालूमात होगी इंशाल्लाह तआला जरूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। मजार का नाम है हजरत सैयद शाह वारिस अली कादरी अबुल वलाई मुनअमी फिरदौसी रहमतुल्लाह। ये हम लोग 2024 में 20 जुलाई को हम लोगों का उर्स हुआ, ये 108वां सालाना उर्स मुबारक था। अच्छा, हम लोग 108 साल हो चुका है इस 2024 में। हम लोगों को पैदाइश भी नहीं। आप लोग आते हैं उर्स में? आते हैं नहीं पता, हम लोग को मालूम नहीं था ना, तो हम लोग इंशाल्लाह अगर आपसे आएंगे। हर साल मुहर्रम की 13 तारीख को होता है, 13 माह है मुहर्रम, हर साल इसी दिन हम लोग सालाना उर्स मनाते हैं। ये आपको उनका कुछ वाकिया करामत? ये हम लोगों का जो सिलसिला है, सिलसिला कादरिया मुनामिया अब्दुल कादिर जिलानी हजरत, सिलसिला आलिया कादरिया मुनामिया। हम लोगों का जो सिलसिला है हजरत सैयद मुहिद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह से होते हुए मलम पाक फिर शाह हजरत हिदायत अली शाह विलायत अली हजरत सैयद शाह वारिस अली कादरी अबुल वलाई मुनअमी फिरदौसी रहमतुल्लाह अलैह। अच्छा हजरत ये बताइए, 108 साल ये पुराना है तो इंशाल्लाह ताला काफी पुराना है जी, तो ये बताइए इनका कुछ वाकया या करामत? करामत तो देखिए इस तरह का वाकयात जो है हम लोगों ने सुना है, ठीक है, उनकी बहुत सारी करामात हैं, ठीक है, तो
ना तो डिटेल्स में आपको हम करामत, जिसे कोई भी वाक्य जैसे मान के चलिए कि किसी का शादी नहीं हो रहा है या तो मान के चलिए किसी का आशी भी मामला है, तो इनका देखिए अल्लाह का वली जो होते हैं वो तो अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग के अंदर तो वो ताकत है नहीं जो डायरेक्ट अल्लाह से मांग सकते हैं, लेकिन वली का अल्हम्दुलिल्लाह वो ताकत है कि उनकी तुफेल में बिना उनका वसीला से कुछ होता नहीं है। तो कहने का मकसद यही है कि इनका कुछ ऐसा वाक्य कोई हमारा इस्लामी भाई का कुछ ऐसा दिक्कत हुआ होगा, आप अगर काफी शासन कुछ तो वाक्य मजार शरीफ में बहुत से लोग आते हैं अच्छा जिनके मानने वाले हैं, बहुत से लोग इनके मुरीद भी है, ठीक है, जो इनसे मोहब्बत अकीदत रखते सभी लोग आते हैं यहाँ पर, ठीक है, तो उन लोगों का जो नेक और जायज मुराद होता है वो तो यहाँ से मिलता ही है। जैसे बहुत से लोगों का यहाँ पर आते हैं औलाद नहीं हो रहा है, ठीक है, तो एक साहब आए थे उनके औलाद नहीं हो रहा था, तकरीबन 20 साल हो गया था शादी का, तो माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह उनकी फैज इनकी दुआ की बरकत से उनका औलाद हुआ, ठीक है, माशाल्लाह। इस तरह की जो है मुरादे जो नेक और जायज मुराद है लोगों को मिलता है माशाल्लाह, ठीक है। बहुत सारे जैसे आपने कहा कि यहाँ पर जो लोग आसेवी हालत में रहते हैं उनको भी यहाँ से फैजयाब होता है, उनको भी जो रूहानी तकलीफ है जो तकलीफ होती है उनको भी यहाँ से शिफा मिल जाता है। असल में ये जो मजार शरीफ है यहाँ पर देखिएगा उनके मुरीद जो है सूफी सर रहमतुल्लाह अलैह लिखते हैं के रोजा तेरा दारुश शिफा, पूछा तेरा राहत फिजा, रोजा तेरा दारुश शिफा, और खादिम तेरे जिन्नो परी वारिश अली निकाह करी। ये जो रोजा है ये दारुश शिफा है, यहाँ पर हर कोई खासो आम यहाँ पर आ सकता है और यहाँ पर अपना मुराद जो भी है उनका नेक और जायज मुराद यहाँ से उनका पूरा हो जाता है। ये हमने देखा है लोगों को पूरा होते हुए माशाल्लाह, बहुत अच्छा लगा इस्लामी भाई हम लोग हजरत बताया। आपका नाम क्या है? जी मेरा नाम है सैयद शब्बीर वारिस। अच्छा, और हम लोगों का जो शजरा मुबारक है मैं आपको फिर से बता दूं कि जो शजरा है हम लोगों का ताजदार मदीना अहमद मुख्तार मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, फिर वहाँ से हजरत अली मुर्तजा रजी अल्लाह अनु, फिर वहाँ से हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह अनु, फिर हजरत इमाम जैनुल आबिदीन, हज़रत इमाम बाकर रजी अल्लाह अन्हु, हज़रत इमाम जाफर सादिक रजी अल्लाह अन्हु, हज़रत इमाम मूसा काजिम, हज़रत इमाम अली रजा रहमतुल्लाह, फिर वहाँ से होते हुए हज़रत ख़ाज़ा मारूफ करकी रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत सरीसा कती रहमतुल्लाह अलैह, हज़रत जुनेद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह, फिर मुजद्दीन अब्दुल क़ादिर जिलानी, मतलब सिलसिला भाई सिलसिला हम आपको बता रहे हैं जो हम लोगों का शजरा है। शजरा का नाम है शजरा आलिया कादरिया मुनामिया, जो यहाँ से मुरीद होते हैं जो लोग मुंसलिक होते हैं उनको ये पेश किया जाता है। तो ये शजरा शरीफ आपको नेट पे भी मौजूद है क्या? नहीं, हम लोग नेट पर नहीं रखते हैं, हम लोगों का जो है शजरा वो हार्ड कॉपी की शक्ल में जो लोग मुरीद होते हैं उनको हम देते हैं। माशाल्लाह सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे प्यारे भाई आप लोग को ये बताना चाहूंगा कि इनका जो मैन मजार है वो कुछ वहाँ पे काम हो रहा है, कुछ पानी का बरसात कर लेते इसलिए ताला बंद है, तो बाहर से आपको देखा दिया जाएगा कि वो मजार का पूरा, लेकिन इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट बार आएंगे तो दिखाएंगे। लेकिन आइए आपको ये तीन मजार के बारे में बताते हैं। ये उनके दो लड़के हैं और एक खलीफा है, तो अल्हम्दुलिल्लाह इनका जो है अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से भी हम लोग फैज लेंगे सलात वसलाम करेंगे और इनको पेश करेंगे दरुस्त तरीके से यासीन कुछ ना कुछ पेश करेंगे, और वहाँ पे काम हो रहा है तो उसके लिए आप लोग से माफी चाहते हैं इंशाल्लाह ताला। नेक्स्ट बार कभी भी इनका बुलाहट होगा तो जरूर हम लोग आके आपको अंदर का दिखाएंगे। कुछ पानी का वजह से कुछ बारिश हुई है, कुछ काम हो रहा है इसलिए ताला बंद है, बाहर से आपको देखा सकते थे बंद है। तो आइए हम लोग सलात वसलाम करते हैं और पढ़ने का बाद फातिहा पेश करेंगे इंशाल्लाह पूरा। उसके बाद आइए ऊपर आप चलते हैं, ऊपर में भी एक मजार है जो आपकी ज़ियारत करवाते हैं, तो माशाल्लाह सुभान अल्लाह यही मेन मजार है हमारे बाबा, मेन मजार नीचे में, मतलब ऊपर से ज़ियारत कर सकते हैं। जैसे बोला गया है कि नीचे का जो मेन मजार है वो अस्सलाम वालेकुम या औली अल्लाह, तो बोला गया था जो नीचे का मजार है बारिश की वजह से बंद है, तो फिर किसी दिन हम लोग आएंगे तो इंशाल्लाह जरूर आपको ज़ियारत कराएंगे। तो मदीने की गली हो मदीने में मुझे माँ
तुम आए काश मदीने में मुझे मौत आए कदमों में तेरे सर हो मेरी रूह अचली हो। इंशाल्लाह हम लोग इनमें कुछ पेश करेंगे जैसे कि हर मजार में लोग पेश करते हैं, दरूद शरीफ फातिहा खानी पढ़ेंगे, दरूद शरीफ पढ़ेंगे और हो सके तो और कुछ पेश करेंगे। आप भी जब भी आए मजार शरीफ में तो आप मजार का एहतराम करें और उनको जरूर कुछ ना कुछ पेश करिए, दुआ मांगिए। इंशाल्लाह आपकी जाय दुआ है, इनके सदके में जरूर कबूल होगी इंशाल्लाह। प्यारे भाइयों अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तआला का एहसान है, देख सकते हम लोग हावड़ा स्टेशन आ पहुंचे हैं, तो काफी अच्छा लगा है बाइक से आने में। बताना ये चाहूंगा कि अभी हम लोग सोचे थे जब आ ही गए तो पहले मीम ही खास कर ले, तो आप देख सकते हैं स्वप्नापुरी का बहुत फेमस दुकान है। स्वप्नापुरी का क्या मिठाई है यहाँ का नाम? चमचम, चमचम, और ये खा के हो जा रहे दमदम। अभी आए हैं हम दमदम से। अच्छा सही बात है कि हम लोग दमदम से होते हुए आए हैं और ये चमचम खा के हो जाए दम दम और ये हो जाते मचलते हो जमजम जमजम हो जाते काम हो जाते बम बम। तो बोले भाई आपको ये आगे का जो डिटेल है जी भाई बताएंगे, क्या बोलना चाह रहे बोलिए। तो हम लोग का ब्लॉग है तो हम लोग खत्म करते हैं और उम्मीद करते हैं आप लोग को हमारा ये ब्लॉग पसंद आया होगा। तो क्या करना है आपको, हमारे सलीम भाई बताएंगे आपको क्या करना होगा। बाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बहुत सारा हम लोग को प्यार दीजिए। कहाँ जाना है नेक्स्ट ब्लॉग में आप से जरूर बताइए, ठीक है? मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम।